देखिए अनार का फल। छोटे फल है, बड़े वाले हैं, इससे छोटे देखिए हार्वेस्टिंग का टाइम हो गया है। देखिए छोटे फल बहुत हैं, 3 बार हार्वेस्टिंग हो चुका है अनार का। देखिए ये पूरा फल पक गया है। और ये फटे हुए फल देखिए आप, दाने बहुत अच्छे हैं, मरून कलर आ चुका है अनार पे, लेकिन छोटे ही फल फट रहे हैं। देखिए छोटे ही फल बचे हैं, अब देखिए ये हार्वेस्टिंग के लिए 20-25 दिन के बाद होगा ये फल। एक साइड रेड कलर है, एक साइड ग्रीन कलर है, कच्चा है, एक साइड पक्का हुआ है, एक साइड कच्चा है, आप देखिए। माल अच्छा उतरा, एक पौधे में 12-13 किलो के आसपास निकला है एवरेज। जैन का टिश्यू है, जैन का टिश्यू पौधा है, लेकिन हमारे यहाँ टिश्यू अच्छा ग्रोथ कर रहा है, गोटी से बेहतर ग्रोथ कर रहा है हमारे यहाँ। देखिए धूप की वजह से सन बर्निंग चालू हो चुका है, ऐसे काले दाग धब्बे पड़ जा, सन बर्निंग बोल रहे हैं। ये ओस का पानी फल पे बूंदे हिसाब से बूंदे रह जाती हैं, इससे इसमें से सूर्य प्रकाश के हिसाब से ये बिंदु में पानी में ऐसे ब्लैक दाग पड़ जाते हैं। देखिए ये फंगस के हिसाब से पूरा फल खराब हो चुका है। देखिए ये फल में फंगस के हिसाब से ही ये फल फट गया है। ऐसे नुकसानी ज़्यादा है इस साल अनार के पौधे में। ये पौधा छोटा है लेकिन अच्छा सेटिंग हुआ है, साइज भी बढ़ रहा है। ये छोटे वाला अनार देखिए, ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, 10-12 दिन में हार्वेस्टिंग करेंगे हम अनार का। देखिए ये देखिए बम्पर साइज, कच्चा है लेकिन कलर बाकी है। ये देखिए फूक से हिसाब से ये फट रहा है, ओस आना शुरू हो गया, इसलिए फंगस का एक्टिव होगा। देखिए ये इसमें तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन ना खराबी है फल में, इसलिए ही फट रहे हैं।
ये बम्पर साइज अनार 300 के आसपास है अनार। जैविक खाद हलाई दिया था अनार में, जैविक खाद का रिजल्ट बहुत अच्छा है, कम खर्च में ज्यादा उपज ले सकते हैं हम। देखिए छोटे फल है पर साइज बढ़ रहा है, देखिए देखिए। प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अनार अनार की टोटल माहिती मैं आपको वीडियो द्वारा दूंगा, कमेंट करें प्लीज़।